हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल सबास फूड मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रॉन्स बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही इजी मेथड से। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 300 ग्राम्स प्रॉन्स ले लिया है, जिसे हमने क्लीन करके वॉश कर लिया था। इसमें हम हाफ लेमन जूस ऐड कर लेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे 4 से 5। ग्रीन चिली को हमने बीच में से कट कर लिया था। सॉल्ट ऐड कर लेंगे एज पर टेस्ट। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे फ्राइड अनियन मैं ऐड कर रही हूँ। ये बिरिस्ता जो हमने बना के रखा था उसे हम ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिसे हमने फ्राई कर लिया था। इसके बाद हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। इसे मिक्स करके हमें मैरिनेशन के लिए रख देना है मिनिमम 20 मिनट्स के लिए। अभी एक पैन में हमें यहाँ पे 1 लीटर वाटर ऐड कर लेना है। इसमें हम गरम मसाले ऐड कर लेंगे। इसमें शाहजीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिरी और बड़ी इलायची, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। हरी इलायची हम ऐड कर देंगे इसमें 3 से 4। सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1/2 kg राइस के लिए मैंने 1 लीटर वाटर लिया है। और सॉल्ट हम थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम इसका पानी रिंस कर लेंगे इसमें सॉल्ट भी निकल जाएगा। मैंने राइस जो है वो 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था पानी में। इसे वॉश करके हम ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आता है उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसे 70% तक हमें कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। 70% कुक होने के बाद हम इसका जो वाटर है वो रिंस कर लेंगे इसमें से। यहाँ पे जो मैंने अनियन फ्राई किए थे सेम ऑयल में अब इसमें हमें टमेटो प्यूरी ऐड करनी है। ये 2 टमेटो की प्यूरीज मैंने यहाँ पे बना ली थी, इसे हम ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अच्छे से मैंने यहाँ पे सॉटे कर ली थी। इसमें हम जो मैरिनेट हमने प्रॉन्स किया था वो ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पर। इसे हम कवर करके कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्रॉन्स जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए राइस जो है वो 70% तक कुक हो चुके हैं। इसका पानी हम रिंस कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉन्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। देखिए मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें से 1/2 मसाला हम अलग बोल में निकाल लेंगे और 1/2 हमने इसी पैन में रखा है। इसके ऊपर हम राइस का लेयर लगा लेंगे। ये जो राइस हमने 70% जो निकाला था वही राइस का लेयर हम इस पे लगा लेंगे। देखिए पूरे अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे राइस का लेयर लगा दिया है। इसके ऊपर हम फिर से मसाला ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने 1/2 अलग से निकाल लिया था वही मसाला को हम इस पे ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। मसाला अच्छे से मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर लिया है। इसके ऊपर फिर से हम राइस का लेयर लगा देंगे। देखिए राइस से अच्छे से कवर कर लिया है मैंने चारों तरफ से। अब इसके ऊपर हम बिरिस्ता ऐड करेंगे। फ्राइड अनियन जो हमने अलग से निकाल लिया था करके, इसे हमें ऐड कर देना है। इसके ऊपर हम कोरिएंडर और मिंट लीव्स भी ऐड कर लेंगे। फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम कवर करके दम पे कुक कर लेंगे। इसे हमें कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है।
देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है। राइस जो हमने 70% कुक किए थे वो भी 100% कुक हो चुके हैं और प्रॉन्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। बिरयानी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, बिल्कुल भी आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप क्विक एंड इजीली इसको बना सकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।